सो हे यो, वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे होश वंशपुरा। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग, क्योंकि हम जाने वाले हैं यहाँ की सबसे बड़ी नर्सरी में, जो कि है पाठा नर्सरी। और यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के प्लांट्स हैं, और करीब करीब 5000 प्लांट्स से भी ज्यादा हमें यहाँ पर देखने मिलेंगे। सो मैंने वो पूरा व्लॉग में कवर किया हुआ है, तो आज का व्लॉग इसी के ऊपर होने वाला है। इस देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, तो ये सब स्टार्ट होता है कुछ ऐसे। मैं अपने घर से अकेला निकला था और मुझे मेरे फ्रेंड अनुराग ने बोला था कि वो मुझे पाठा नर्सरी के बाहर मिलेगा। तो अब चलिए सीधा मैं आपको उससे मिलाता हूँ। पहुँच गया मैं पाठारे नर्सरी में, और ये है मेरा फ्रेंड अनुराग। अनुराग आजा। सो ये है मेरा फ्रेंड अनुराग, और ये है पाठारे नर्सरी। तो अभी चलो नर्सरी में चलते हैं। ऑल राइट, सो ये था पाठारे नर्सरी का एंट्रेंस, और एंट्रेंस के राइट तरफ जो था वहाँ पर सी प्लांट्स, और लेफ्ट तरफ जो था वहाँ पर सब छोटे छोटे और इनडोर प्लांट्स थे। तो अभी आ गए यहाँ पे पाठारे नर्सरी में, और ये है पूरा नर्सरी, बहुत बड़ा है यहाँ का नर्सरी। तो ये अनुराग के साथ में अभी एक्सप्लोर करते हैं कोई अच्छे अच्छे प्लांट्स। यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के प्लांट हैं, जैसे कि मैरून, फिर वाइट, फिर पीछे येलो भी हैं। तो एक्सप्लोर करते हैं, और जो अच्छा अच्छा आपको दिखेगा मैं आपको। तो अनुराग कैसा लगा तेरे को ये? बहुत सही, एकदम से एकदम ऐसा पीसफुल फीलिंग रहता है ना, एकदम से वैसा आ रहा है, एकदम एस्थेटिक वाइब्स आ रहे हैं इससे। अच्छा, मजा आ रहा है ना? बहुत 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 ठीक है। कुछ परचेस वगैरह किया है क्या आपने? मैंने बहुत सारे प्लांट्स हिबिस्कस के किए, रोज के किए, ओकेलेप्टस के किए। हाँ, अच्छा। और एक बार सकलेट्स भी लिए थे मैंने, लेकिन वो एक्चुअली मर गए, वो जल्दी। अच्छा, ठीक है। तो आज तो कुछ लेगा क्या यहाँ से? हाँ, सोचा तो है। चलो फिर आपको आगे दिखाते हम लोग क्या लेते हैं। Darling, ओके। सो यहाँ पर मैं वॉलेंटियर मिल गए हैं। अंडे, आपका नाम क्या है? तुषारी मानकर। तुषारी मानकर है इनका नाम। तो अभी आप हमें बताइए यहाँ की स्पेशलिटी, जो भी प्लांट्स वगैरह हैं, और यहाँ पर कितने टाइप्स के प्लांट हैं, और उसके बारे में भी आप बताइए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ, ये जो है चीकू क्रिकेट बॉल, मतलब ऐसा लंबा रहता है। अच्छा, ठीक है। हाँ, ओके। ये भी ग्राफ्टिंग किए हुए हैं? ग्राफ्टिंग है, लेकिन ये आम के बड़े पेड़ है, उसको एक साल में फल लग जाते हैं। ओके ओके। तो अगले साल इसको फल लग जाते हैं। ये जो है केजी पेरू है, मतलब केजी पेरू। हाँ, इसको जो ये आता है, फल आता है वो, उसका वजन कुछ 1 किलो के बराबर है। ओके ओके। हाँ हाँ हाँ, जी हाँ। तो यहाँ पर मैं बताया गया कि इस नर्सरी के बीचों बीच एक बहुत बड़ा ट्री है, जो कि है जैक फ्रूट का ट्री, और लकीली हमें एक जैक फ्रूट दिख भी गया। तो दिस वॉज फर्स्ट टाइम मैं कुछ ऐसे प्लांट्स देख रहा था, वो देखकर हुआ ही नहीं था कि हमें लेमन का भी एक प्लांट दिख गया। अभी फ्रूट वाले जो प्लांट थे वो हमने देख लिए, देख लिए। अभी हम फ्लावरिंग प्लांट देखने आगे जा रहे हैं। दीदी, आप मेरे को ये बताइए ना कि ये पीछे जो क्रिएट किए हुए, ये क्यों? हाँ, वो डोम बनाए हुए हैं, अपने मसाले के रहते हैं ना, जो अपने गरम मसाला वगैरह। हाँ, हाँ, करते हैं, बेचू हुआ, लवंग हुआ। तो ये जो प्लांट्स रहते हैं वो शेड में रहते हैं। अच्छा, ऐसी कोई डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ता, डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ता, इसलिए ये शेड बनाया गया। अच्छा, तो ये शेड का वो काम है, सनलाइट से बचाने का। वो क्रीपर सेक्शन है, ये कोकर नहीं, इसको ऐसा ऑल सीजन फूल रहता है। अच्छा, इसको रेड कलर का हिबिस्कस आता है। अच्छा हाँ, क्योंकि रियल जो, क्योंकि जो ओरिजिनल होता है उसके पत्ते पूरे ग्रीन होते हैं, पूरे ग्रीन होते हैं। तो ये वेरीगेटेड है, ये वेरीगेटेड है, ठीक है। ऑल सीजन फूल आते हैं। तो मतलब ये जल्दी फैल जाते हैं ना। और इसका नाम खुफिया है, खुफिया। गार्डनिंग में वगैरह आप यूज कर सकते हैं। जी, ये सेक्शन है वो, ये मेडिसिन प्लांट है। ठीक है, तो ये मेडिसिन, छोटे वाले मेडिसिन प्लांट है। ये पुदीना के क्या? ये पुदीना, मतलब गलती चाह। अच्छा हाँ हाँ, ये चाय में यूज होता है। ओके, ये मिंट है, पेपरमिंट, ठीक। माउथ फ्रेशनर जैसे। हाँ 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 हाँ, ये ब्राह्मी है, ब्राह्मी हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। अच्छा, और इसको आंबे मोर बोलते हैं। इसको चावल में डालेंगे ना, हाँ। सादे चावल में भी डालेंगे तो बासमती जैसा स्मेल आता है। अच्छा अच्छा। अनुराग, अब तक का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? बहुत सही लगा यार, मतलब एकदम से, मतलब बहुत सारे ट्रीज देखे मैंने जिंदगी, पहले बार ऐसे देखे कि फ्रूट्स आए हुए प्लांट्स में ऐसे। ओके, हाँ, मैंने भी वैसे तो फर्स्ट टाइम देखे, मीन्स बहुत मैंगो के भी देखे, और बाकी अभी नींबू के देखे हमने, लेमन के। तो कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत सही लगा, मीन्स मेरे को, मैं
दूसरे तीसरी बार आया था, लेकिन मैं इतना एक्सप्लोर नहीं किया था, आज जाके हमने एक्सप्लोर किया। हाँ, और आज जाके मुझे तो लगता है हमें फुल इन्फॉर्मेशन, आज हमें फुल और इन्फॉर्मेशन देते हैं। हाँ, अभी मिलेगा आपको। ओके, तो ये पूरा मेडिसिनल प्लांट का सेक्शन था, है वो पूरा फ्लावर सेक्शन है। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। देखिए, ये एक रेड में है, वहाँ पर एक येलो में है। अच्छा, अच्छा। इसके लीव्स कलर के रहते हैं। हाँ, मूसंडा। ओके, अच्छा। फ्लावर नहीं है उसमें, ये फ्लावर नहीं है, ये लीव्स ही है। लीव्स है वो रहते हैं कलरफुल, वाइट कलर के। ये सकुलेंट्स है, आप इसको डेस्क पर वगैरह घर में रख सकते हैं। हफ्ते में एक बार इसको धूप दिखाना चाहिए और हफ्ते में एक बार इसको पानी देना चाहिए। अच्छा, हाँ, इनको ज्यादा धूप की जरूरत नहीं है, नहीं ज्यादा सनलाइट की जरूरत। तो ये थे मैम जिन्होंने हमको प्लांट्स के बारे में सब कुछ बताया। बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है इन मैम को, और इन्हें लगभग सारे प्लांट्स के बारे में पता है ना आपको। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली और इतने सब चीजों के बारे में आप कैसे जानते हैं, जरा बताइए ना। जॉब करने के बाद मुझे पता चला। ओके, और आप कितने सालों से जॉब कर रहे हैं? नहीं, मुझे कुछ 8-9 months। 8-9 months में आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, और आपसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। थैंक यू। पूरा है वो है इंडोर सेक्शन, और इंडोर सेक्शन की क्या खासियत है, इसे आपको घर पर ही रखना होगा और इससे कम सनलाइट चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर भी एक बड़ा डोम बनाया हुआ है। अनुराग को एक प्लांट लेने का है, फ्लावरिंग प्लांट, और एक उसने तुलसी लिया हुआ है पहले से ही। देखते हैं अभी आगे चलकर कितने प्लांट हैं। ओके, सो अनुराग का प्लांट्स वगैरह लेकर हो गया है, और अभी चलते हैं सीधा पेमेंट काउंटर पे और देखते हैं क्या प्राइस होता है प्लांट्स वगैरह का, और फिर बस घर चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर था बिलिंग सेक्शन, बट उससे पहले अनुराग को याद आया कि उसे एक पॉट भी लेना है, तो हम पॉट लेने के लिए गए, और ये एक रूम था जिसमें सारे पॉट। अनुराग क्या शॉपिंग कर रहा है? फ्लावर पॉट और ये डिस्क उसके लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। जस्ट ये इमेजिन कीजिए नर्सरी कितनी बड़ी होगी। इसके लिए एक रूम अलग से अलॉट किया है जस्ट फॉर पॉट्स, जहाँ पर छोटे से लेकर सबसे बड़ी साइज के पॉट्स भी अवेलेबल हैं। ओके, तो पॉट और प्लांट लेकर हम बाहर निकल ही रहे थे कि उनके मैनेजर ने हमें कहा कि यहाँ पर अंदर हम प्लांट्स लगा कर भी देते हैं अगर आप पॉट और प्लांट दोनों लेंगे तो। तो फिर ये बात हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो फिर यहाँ पर एक आंटी थे जो हमें लगा कर दे रहे थे प्लांट हमारे पॉट के अंदर, और ये जो सॉइल थी वो फुल्ली फर्टाइल सॉइल थी, और इसमें बहुत सारे फर्टिलाइजर्स भी मिले हुए थे जिससे प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होगा। शॉपिंग करके डन हो गई है, और अभी अनुराग जा रहा है। बाय बाय बाय। तो पाठाया नर्सरी के बारे में मैं आ गया, और यहाँ पर बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट थे, देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया, और स्टाफ बहुत अच्छे थे, मैनेजर बहुत अच्छे थे, और ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। सो थम्स अप फॉर पाठाया नर्सरी। इसके लिए बस इतना ही रखते हैं। आप में से बहुत सारे लोग मेरे चैनल को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, जैसे कि मुझे ये स्टैट से पता चला है। तो अगर यहाँ पर आ गए हो तो लाइक का बटन दब जाना चाहिए, शेयर का बटन भी दब जाना चाहिए, सब्सक्राइब कर दो मेरे यूट्यूब चैनल को, वो रेड कलर के बटन को ग्रे कर दो, और आपके कमेंट्स जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। सो दैट इज इट फॉर टुडे, वंश बोरा साइनिंग ऑफ। झूमता वारा कैसे जीता चला जा रहा, बेखौफ निगाह मेरी झांक के देखो तो ताज बना।